आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोहा स्टिक्स। पोहा स्टिक्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। जैसे ब्रेड स्टिक्स लगती हैं एकदम खाने में, इतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं। और पोहा ब्रेकफास्ट का एक हेल्दी ऑप्शन है, तो आज हम उसे बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पोहा स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें एक कप में यहाँ पोहा डाल रही हूँ। ये मैंने पतले वाला पोहा लिया है, अगर आपके पास मोटे वाला है तो आप वो ले सकते हैं। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो मिक्सी में पीस कर मैंने इसका पाउडर बना लिया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फाइन पाउडर इसका तैयार किया है। अब मैंने यहाँ 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं। अब जो पाउडर बनाया है वो डाल लेते हैं। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई अदरक ली है, 2 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरा धनिया लिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स लिए हैं। जिस चम्मच से खाना खाते हैं इसी चम्मच से 3 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 3 चम्मच ही मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो 6 बड़े चम्मच आप ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है तो नॉर्मल ब्रेड आप मिक्सी में चलाकर पीस लीजिए और वो ले लीजिए। अब मैंने यहाँ 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ले सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो नींबू का रस ले लीजिए। अब मैंने यहाँ धनिया और जीरे का पाउडर लिया है, जीरे को और धनिया को मैंने तवे पर भूनकर उसे क्रश करके लिया है। 1 से 2 चुटकी मैंने यहाँ हींग ली है, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ कसूरी मेथी ली है और 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें 1 चम्मच मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ, तो इसे हम अच्छे से हाथों से मसल मसल कर बिल्कुल जैसे डो लगाते हैं हम, जैसे आटा लगाते हैं एकदम ऐसा बना लेंगे। देखिए इसका डो मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है, हाथों पर हम हल्का सा घी या तेल लगाकर इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। देखिए अगर ये चिपक रहा है तो इस हाथों पर थोड़ा सा हम घी या तेल लगा लेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे प्लेट पर अच्छे से गोल करते हुए बिल्कुल उंगलियों से दबाते हुए हम इसे लंबा कर लेंगे, इसकी स्टिक्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे बहुत ही आसानी से हो जाएंगी और साइड से हम हल्का सा इसे दबाएंगे जिससे बहुत ही अच्छी इसकी शेप आ जाएगी, ये दोनों तरफ से खुलेगा नहीं, तो अच्छे से हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ही हम तैयार करेंगे। एक और मैं बना के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हथेली से ऐसे लंबा करते हुए प्लेट पर बिल्कुल राउंड राउंड करके इसको चिकना कर लेंगे और स्टिक्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। देखिए ऐसे ही हम सारे स्टिक्स बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये। तो चलिए सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टिक्स मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, तो फ्राई करने के लिए तेल गरम करेंगे। पहले तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, तेल को बिल्कुल मीडियम गरम करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर हम गैस को रखेंगे। तो स्टिक हम डाल लेते हैं अच्छे से और डालने के तुरंत बाद हम इसे टच बिल्कुल नहीं करेंगे, हल्का सा इनमें कलर आ जाए या फिर ये ऊपर तेल में तैरने लग जाए तब हम इन्हें अलट पलट करके अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए
इनमें हल्का सा कलर आ गया है और ये ऊपर तैरने लगे हैं। तो अब हम इन्हें अलट पलट करके अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें एक बार फ्राई करने में करीब करीब 3 से 4 मिनट आराम से लग जाते हैं। गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बाहर से ये पक जाएंगे, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और लो फ्लेम पर ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो देखिए इनका कलर बहुत ही अच्छा आया है और ये बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए आप कलर देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा आया है और एकदम ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। और जो बाकी बच गई हैं उन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए पोहा स्टिक बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। आप इसे बना सकते हैं और चटनी के साथ, सॉस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड में, और आप सोशल साइट्स पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।